आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले में सुरक्षित गर्भ समापन के सुचारू संचालन हेतु कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर MTP कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कक्ष में किया गया। बैठक में राजकीय इकाइयों पर प्रदान किए जा रहे MTP सेवा के साथ साथ निजी चिकित्सालयों के MTP सेवा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण आदि विषय पर चर्चा हुई। समय समय पर MTP एक्ट में हुए संशोधन एवं MTP हेतु आवश्यक चिकित्सक की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उक्त बैठक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आम जनमानस को यह संदेश दिया गया कि कोई भी लाभार्थी अवैध नर्सिंग होम जो MTP एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है किंतु MTP सेवा प्रदान कर रहा है, वह कभी भी सेवा के लिए न जाएं। ऐसी स्थिति में शीघ्र उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को दें। बिना MTP एक्ट में पंजीकरण के यदि कोई भी चिकित्सक या नर्सिंग होम द्वारा MTP सेवा प्रदान की जा रही है तो यह पूर्णतः अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी योग्य लाभार्थी को सुरक्षित गर्भ समापन की आवश्यकता है तो पंजीकृत राजकीय या निजी चिकित्सालय पर ही जाएं। इस हेतु अधिक जानकारी के लिए अपनी आशा या ANM के से भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अध्यक्ष IMA से यह भी अपेक्षा की कि जो भी इच्छुक निजी चिकित्सक या चिकित्सालय MTP की सेवा प्रदान करना चाहते हैं वे नियमानुसार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के उपरांत ही उनका द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। यह इस दौरान नोडल अधिकारी MTP डॉक्टर उमा शरण पांडे, IMA अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी, वरिष्ठ गायनी डॉक्टर अमिता अग्रवाल, जिला महासचिव महिला चिकित्सालय डॉक्टर सुभाष सिंह, निदेशक ग्लोबल हॉस्पिटल मऊ रोड, जिला कार्यक्रम प्रबंधक NHM, जिला प्रबंधक परिवार कल्याण एवं रसद तथा आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन से शिवपूजन पांडे आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता डॉक्टर अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। जिला स्तरीय बैठक सुरक्षित गर्भ समापन के संबंध में बुलाया गया था। गर्भ समापन भी सुरक्षित रूप से राजकीय चिकित्सालयों में, राजकीय इकाइयों में जो सक्षम स्तर हैं और प्राइवेट चिकित्सालय जो नामांकित हैं इसके लिए, वहीं लोगों को कराने के लिए इसकी नोटिस जारी होगी और इसको बताया जाएगा कि सब वहीं कराएं जहां पे प्राइवेट चिकित्सालय इसके लिए नामांकित हैं, राजकीय चिकित्सालय जो नामांकित हैं, इसलिए सुरक्षित गर्भ समापन कराने के लिए लोगों को वहीं जाने के लिए इसकी सूचना दी जाएगी। जागरूकता कैसे की जाएगी सर? इसकी जागरूकता हर अपने स्वास्थ्य इकाइयों पे इसके लिए मीटिंग से और कैंप से बताए जाएंगे लोगों को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।